चचेरा भाई घटना के बारे में हमने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी हुई और देखकर सुनकर बहुत खराब अच्छा नहीं लगा। बहुत अफसोस है कि आज हमारे पार्टी कार्यकर्ता मुमताज जी रहे, हमारे पूरे साथी रहे और उनके बेटा और उस दिन गायब हो गया जिस दिन उसकी दादी का इंतकाल हो गया। मीठा बिना मिट्टी दिए वो गायब हो गया और अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। प्रशासन के लोग से भी संपर्क हमने किया है, पिठुरिया थाना और ग्रामीण एसपी भी यहाँ पे आए थे जरूर, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। गांव के लोगों ने खोजबीन अगल बगल में किया तो आज हमारे सभी कांग्रेस के साथियों ने हमारे मुमताज भाई जी के साथ मिलकर कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि हम लोग भी प्रयास करें कि ताकि इनके बच्चा को किसी तरह ढूंढ कर ले आए। अभी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उराव जी से संपर्क करने का कोशिश हमने किया है और जैसा कि हमारे मुमताज जी का मांग है और हमारा भी मांग है कि SIT गठन हो और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामेश्वर उराव जी से मांग करते हैं कि SIT का गठन जल्द से जल्द हो। इसके लिए हम कल प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे, हमारे कांके प्रखंड के सभी सम्मानित साथीगण के साथ मिलकर SIT गठन करके जांच प्रक्रिया में तेजी लाने का हम लोग मांग करेंगे ताकि जो नसीम अंसारी जो 26 जुलाई से गायब है वो मिल सके। चूंकि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी गायब हो जाए या नहीं मिले, ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि बच्चा सकुशल घर वापसी हो और जहाँ भी हो हम इसे आपके माध्यम से अगर उसको जानकारी हो तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि बच्चा अगर हमारी आवाज़ उनके तक पहुंच पाएगा तो जरूर जरूर वो हमारी आवाज़ को सुने और वो घर से अगर किसी प्रकार का भी अगर परेशानी हो, किसी प्रकार डांट फटकार अगर मिला भी हो तो भी हो जाए, सुनकर वो घर वापसी करे। जिस तरह से मामला पिठुरिया थाना अंतर्गत हुआ है, जिले के और अलग अलग थाने में और 6 बच्चों का गायब का भी बात पता चल रहा है, खलारी कुछ है, कोई चिटकी से है, कहीं पिठुरिया से है, क्या लग रहा है ये प्रशासन इस पे अगर कड़ा स्टेप ले या ये खोज किया जाती है, कोई नेटवर्क इसमें मिल सकता है क्या? निश्चित रूप से देखिए ये रहस्यमयी घटना जो घट रही है जिसका पता नहीं चल रहा है, जिसे हम मांडर से भी